अस्सलाम वालेकुम, आई एम शुभाना गुलशन। यू आर वाचिंग स्मार्ट लर्निंग विजन। आज हम चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अक्सर स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगते हैं, लेकिन आज हम आपको बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड से इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सिखाएंगे। सबसे पहले हम उन फार्मूलाज को देख लेते हैं जो इन न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशन में इस्तेमाल होंगे। फर्स्ट फार्मूला जो है वो है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करने का फार्मूला है। अगर ऑब्जेक्ट का मैस आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप इसी फार्मूले को रीअरेंज करके मैस भी फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो एम वन और एम टू है ये दो ऑब्जेक्ट के गिवन मैसेज होंगे, या अगर आपने मैसेज फाइंड करने हैं तो फिर ये दो जो ऑब्जेक्ट होंगे या दो स्फीयर होंगे उनके मैसेज होंगे, और जो डी है वो डिस्टेंस होगा जिस डिस्टेंस पे दोनों मैसेज जो हैं वो रखे होंगे। उसके बाद जो जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू जो है वो आपको पता होनी चाहिए, जो कि है 6.673 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। उसके बाद जो सेकंड फार्मूला है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड करने का है वो है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। यहाँ पे एम ई जो है वो मास ऑफ अर्थ है, जिसकी वैल्यू वो भी आपको पता होनी चाहिए, 6.0×10^24 किलोग्राम होती है। उसके बाद जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है 6400 किलोमीटर, और इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि किलो का प्रीफिक्स जो है वो हम 10^3 लिख देंगे और ये पॉइंट यहाँ से इधर जाएगा। थ्री प्लेसेस जो है वो लेफ्ट पे हमने इसको मूव किया तो यहाँ पे 10^3 आ गई, तो इस तरह से यहाँ पे 6.4×10^6 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से किलोमीटर में इसका रेडियस है अर्थ का 6400 किलोमीटर, लेकिन मीटर में जब आप लिखेंगे तो फिर आप इसको इस तरह से लिखेंगे 6.4×10^6 मीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है मास ऑफ अर्थ फाइंड करने का, वो है आर स्क्वेयर स्मॉल जी डिवाइड बाय कैपिटल जी। ये जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का है और ये जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, जिसकी वैल्यू अभी आपको बताई ये वाली है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे ये रेडियस ऑफ अर्थ है। उसके बाद जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट या अल्टीट्यूड, के अल्टीट्यूड पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर ये फार्मूला लगेगा कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच स्क्वेयर। आर जो है यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ होगा और एच वो हाइट होगा जिस हाइट पे ऑब्जेक्ट या सेटेलाइट रिवॉल्व कर रहा होगा। उसके बाद ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो है अंडर रूट जी एच इंटू आर प्लस एच। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हाइट पे या ऑल्टीट्यूड पे, और आर प्लस एच जो है वो इस फार्मूले से ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड की जा सकती है। जी अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। जी 5.1 न्यूमेरिकल है। फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फेयर्स ईच ऑफ मास 1000 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फेयर इज 0.5 मीटर। यहाँ पे कहते हैं कि आपने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है और जो दो स्फेयर हैं इस तरह से आपको दिखाए हुए हैं और दोनों के मास जो हैं वो 1000 किलोग्राम है, यानी 1000 किलोग्राम इसका है और 1000 किलोग्राम इसका है, और दोनों जो हैं वो उनका जो उनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 0.5 मीटर। आपने इन दोनों स्फेयर के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो डाटा गिवन है वो है मास एम वन फर्स्ट स्फेयर का 1000 किलोग्राम, मास एम टू सेकेंड स्फेयर का मास 1000 किलोग्राम, और जो डिस्टेंस है दोनों स्फेयर के दरमियान वो है 0.5 मीटर। ग्रेविटेशनल जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू लिखेंगे हम 6.673×10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। फाइंड जो हमने करना है वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे और फार्मूला लगाएंगे एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई डी स्क्वेयर। वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें जी की जो है वो 6.673×10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर, और उसके बाद एम वन 1000 है, दूसरा एम टू भी 1000 है, और दोनों का जो यूनिट है वो क्या हो गया, किलोग्राम, किलोग्राम जो है वो किलोग्राम स्क्वेयर हो गया, और 0.5 मीटर स्क्वेयर जो है वो डी स्क्वेयर है तो 0.5 मीटर का स्क्वेयर हो गया।
अब जो है वो हमने यहाँ पे जो ये 1000 और ये यहाँ पे 1000 था, इन दोनों को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आ जाएगा 10^6। और जो है वो इसको इसी तरह रहने देंगे, ये जो इसका यूनिट था वो हमने इस साइड पे एक तरफ जो है वो लिख लिया सॉल्व करने के लिए। आप जो है वो यूनिट अगर आप दरमियान में लगाते हैं और आपको मुश्किल होती है सॉल्व करने में, तो आप एक साइड पे भी यूनिट्स इकट्ठे करके लिख कर जो है वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वेयर है और पर किलोग्राम स्क्वायर है और किलोग्राम स्क्वायर है, तो ये किलोग्राम स्क्वायर जो है वो पर किलोग्राम स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, -2 और +2। मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा सिर्फ न्यूटन। अब जो है वो यहाँ पे -11 में से +6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और 6.673 डिवाइड बाय 0.25 होगा 26.7 × 10⁻⁵ न्यूटन। उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम इस पॉइंट को इधर मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो जो है ये प्लस में आएगा, +1 आ जाएगा इधर, -5 और +1, तो अब जो आंसर आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो होगी 2.67 × 10⁻⁴ न्यूटन। जी 5.2 न्यूमेरिकल है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन, फाइंड देयर मैसेज। यहाँ पे कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो दो आइडेंटिकल लेड स्फेयर में, यानी एक जैसे लेड स्फेयर में जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स आपने आपको बताई भी है 0.006673 न्यूटन है, और वो दोनों एक दूसरे से 1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, तो आपने उनके मैसेज फाइंड करने हैं। इस तरह से ये दो एक जैसे मैसेज हैं, M1 और M2 लेड स्फेयर हैं और 1 मीटर के डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से, इन दोनों के मैसेज जो हैं वो बताने हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो इनके दरमियान है वो इतनी है। और अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, इस पॉइंट को हम मूव करेंगे इस साइड पे 3 प्लेसेस राइट पे, तो ये माइनस में आ जाएगा 6.673 × 10⁻³ न्यूटन है यहाँ पे, और जो डिस्टेंस आपको बताया था 1 मीटर है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे। तो फाइंड क्या करना है, मैसेज को फाइंड करना है, यानी कि जो लेड स्फेयर का जो पहला है M1 और दूसरा जो लेड स्फेयर है M2 वो भी फाइंड करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास जो गिवन है उसके हिसाब से जो फार्मूला बनता है वो ये है, एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइड बाई D² और हमने जो है वो क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि आइडेंटिकल जो है वो लेड स्फेयर हैं और मैसेज हैं, यानी कि एक जैसे मैसेज हैं, तो हम जो है वो M1 M2 की बजाय सिंपल M और M भी लिख सकते हैं, और हम एम को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो M² हो जाएगा, क्योंकि एक जैसे हैं तो पहले हम इकट्ठा जो है वो मैस फाइंड कर लेते हैं और बाद में जो है वो हम अलग अलग जो है वो उसको लिख लेंगे, तो यहाँ पे M² आ गया। ये जी फार्मूले को दोबारा से अरेंज कर लेंगे, ये जो कैपिटल जी है वो नीचे यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये डी इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जो फार्मूला बनेगा वो होगा M² इज इक्वल टू FD² डिवाइड बाई जी, यानी इस तरह से आप फार्मूले को लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, एफ की जो वैल्यू है वो जो अभी ऊपर आई थी 6.673 × 10⁻³ न्यूटन, और डिस्टेंस था 1 मीटर, D² है तो यहाँ पे स्क्वेयर आ गया, कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ये आपने लिखी 6.673 × 10⁻¹⁰ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6.673 जो है वो 6.673 से कैंसिल हो जाएगा, और ये -11 जो है वो इधर ऊपर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, और 11 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। और यहाँ पे यूनिट कैसे सॉल्व करेंगे हम, कि यहाँ पे ये न्यूटन इस न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम का जो पर किलोग्राम स्क्वायर था ये ऊपर आके जो है वो किलोग्राम का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। अब इस तरह से आपके पास आया M² इज इक्वल टू 10⁸ किलोग्राम का स्क्वायर, तो इसको अब हम जो है वो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरह से इसका स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, तो यहाँ पे जो 10⁻⁸ यहाँ पे 8 है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे जो है वो किलोग्राम का स्क्वायर है तो 1 रह जाएगा, और M² जो है वो उससे कट जाएगा, तो इस तरह से जो है वो मैस जो आएगा वो आएगा 10,000 किलोग्राम। अब यहाँ पे जो है ये दोनों का मैस था, अब जो है यहाँ पे एक का जो है वो इतना आया है, यानी 10,000 आया, क्योंकि कहते हैं कि दोनों एक जैसे थे, आइडेंटिकल थे, तो इस वजह से जो इन दोनों का जो अलग अलग मैस होगा वो M1 होगा 10,000 किलोग्राम और M2 भी होगा 10,000 किलोग्राम।
5.3 देख लेते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। द मास ऑफ मार्स इज 6.42 इंटू 10^23 किलोग्राम एंड इट्स रेडियस इज 3370 किलोमीटर। यहाँ पे कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मार्स की सरफेस पे यानी मरीख की सरफेस पे वो आपने फाइंड करना है, और जो इसका मास है इसका मार्स का यानी कि मरीख का वो है 6.42 इंटू 10^23 किलोग्राम और रेडियस है 3370 किलोमीटर। जी जो गिवन है इसमें वो हम लिख लेते हैं। पहले मास ऑफ मार्स जो है वो एम एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 6.42 है इंटू 10^23 किलोग्राम। रेडियस ऑफ मार्स जो है वो आर एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 3370 किलोमीटर। अब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे कि ये किलो का प्रीफिक्स जो है वो 10³ होता है, और इस पॉइंट को हम यहाँ पे थ्री प्लेसेस पे जो है वो उस पे लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, तो ये भी +3 में +3 हो जाएगा, तो 3 और 3 6 हो गया, तो इसका मतलब है 3.37 इंटू 10^6 मीटर जो है वो इसका साइंटिफिक नोटेशन में रेडियस आ गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 6.673 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है, और हमने जो फाइंड करना है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन सरफेस ऑफ मार्स यानी कि GM। जी फार्मूला लगाएंगे हम इस तरह से, GMM डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। यहाँ पे जो है वो क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो मार्स पे फाइंड की जा रही है, तो इसलिए इसको जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। कैपिटल जी की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे मास ऑफ मार्स लिखेंगे जो कि था 6.42 टू 10^23 किलोग्राम। उसके बाद जी इसका रेडियस लिखेंगे 3.37 टू 10^6 मीटर। इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे जो है वो पहले 6.673 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.42 से, तो यहाँ पे आएगा 42.84। जो साइंटिफिक नोटेशंस हैं इनकी पावर्स जो हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे, -11 और ये +23 जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो इनके यूनिट हैं वो हम आगे लिख लेते हैं। सारों को सॉल्व करने के लिए जो न्यूटन है इसको हम जो है वो इसको जो इसकी वैल्यू है वो लिख लेंगे ताकि हम यूनिट को सॉल्व कर सकें, तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, फिर ये मीटर स्क्वेयर किलोग्राम जो है ये -2 और इस किलोग्राम को हमने यहाँ लिख लिया, और ये मीटर स्क्वेयर इसका 3.37 का हम यहाँ पे स्क्वेयर लेंगे तो ये आ जाएगा 11.35 और 6 टू द 12। तो इस तरह से ये जो किलोग्राम है और ये किलोग्राम है और ये -2 है ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, और मीटर स्क्वेयर इस मीटर स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, अब रह जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब जो है वो यहाँ पे जो यहाँ पे 23 में से 11 को माइनस करेंगे हम तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, और ये 12 जो है वो यहाँ पे ऊपर आके माइनस में आ जाएगा, तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे 42.84 डिवाइड बाय 11.35 तो आपके पास आएगा 3.77, और पावर्स को जब हम इस तरह से सॉल्व करेंगे इनको और इसको तो यहाँ पे 12 - 12 जो है वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह से जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पूछा था मार्स पे वो आएगा 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, जैसे कि यहाँ पे आपको ये आंसर नज़र आ रहा है। जी 5.4 है न्यूमेरिकल। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। द रेडियस ऑफ मून इज 1740 किलोमीटर। फाइंड दी मास ऑफ मून। ये कहते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो मून पे है 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, रेडियस ऑफ मून जो है वो 1740 किलोमीटर है, मास ऑफ मून जो है वो फाइंड करना है। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा है वो क्या है, रेडियस ऑफ मून यानी कि आर एम इज इक्वल टू 1740 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पे इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं, 1.74 इंटू 10^6 मीटर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट अभी आपको जैसे कि पहले बताया था लेफ्ट साइड पे थ्री प्लेसेस जो है वो मूव किया है तो प्लस में आता है, तो 3 इसके और किलो का प्रीफिक्स 3 है तो 3 और 3 6 हो जाएगा, तो 1.74 इंटू 10^6 मीटर जो है वो इसका साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। उसके बाद जो साइंटिफिक नोटेशन में इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि उसको कैलकुलेट करना जो है वो इजी हो जाता है। फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो मून की सरफेस पे जी एम इज इक्वल टू
1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू लिखेंगे 6.673 इंटू 10 टू रेस पर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और फाइंड करना है मास ऑफ मून, तो इसको हम फार्मूला लगाएंगे ए वाला, इसकी मदद से हम जो है वो मास ऑफ मून, पहले हम ये जो है वो फार्मूला लगाएंगे और फिर उसके बाद मास फाइंड करने के लिए इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे इस तरह से। तो अब जो आपके पास फार्मूला आएगा वो ये होगा, यानी कि एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर डिवाइड बाय जी। ये जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून पे है, ये रेडियस है, और उसके बाद ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और ये रेडियस ऑफ मून है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, जो जी थी वो 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है और उसके बाद जो आर है वो 1.74 इंटू 10 टू इस पर 6 मीटर का स्क्वेयर है। और कैपिटल जी या कांस्टेंट जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमने जो है वो यहाँ पे लिखी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम 1.74 का स्क्वायर ले लेते हैं इस तरह से, जो है वो 3.027 इंटू 10 टू रेस पर 12 मीटर स्क्वायर जो है वो उसका स्क्वायर आया है। फिर उसके बाद जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, 1.62 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.027 से, और उसके बाद आपके पास आएगा आंसर 4.90, और 6.673 वैसे लिखेंगे जो साइंटिफिक नोटेशन है, यानी जो पावर्स हैं वो एक साइड पे लिख लेंगे। यहाँ पे जो है वो 10 की पावर 12 है, ये माइनस 11 है, ये ऊपर आके जो है वो प्लस में हो जाएगी इस तरह से। और उसके बाद जो है वो 4.90 को 6.673 से डिवाइड करेंगे तो 0.735 आ जाएगा। पावर जो है 12 और 11 जो है वो 23 हो जाएगी। अब जो है वो हम यूनिट को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर ये वाला इसका यूनिट और मीटर स्क्वेयर ये यहाँ पे यूनिट रह गए हैं, नीचे वाले यूनिट हमने यहाँ पे लिख लिए। अब क्या होगा कि इसमें जो है वो इनको न्यूटन को हम यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, मीटर पर सेकंड स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वेयर से हो जाएगा, और किलोग्राम पर का जो स्क्वेयर है माइनस टू है, ये जो है वो इसमें से एक इसमें से कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस वन रह जाएगा जो कि ऊपर आके प्लस में हो जाएगा। अब जो है वो यहाँ पे इस पॉइंट को हम राइट साइड पे मूव करेंगे, और यहाँ पे जो है वो क्योंकि हमने वन प्लेस पे जो है वो मूव किया है तो ये माइनस वन आ जाएगा। तो अब जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 7.35 इंटू 10 टू रेस पावर 22 किलोग्राम जो है वो इसका आंसर होगा, जिसे आपको इसमें दिखाया हुआ है, ये 7.35 इंटू 10 टू रेस पावर 22 किलोग्राम जी। 5.5 है न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे आपको हाइट बताई हुई है सरफेस ऑफ अर्थ से, यानी कि यहाँ से ये वाली जो है ये हाइट है, यहाँ से सरफेस ऑफ अर्थ से जो हाइट बताई हुई है वो है 3600 किलोमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में और साथ साथ साइंटिफिक नोटेशन में भी, तो हमारे पास आएगा 3.6 इंटू 10 टू रेस पर 6 मीटर, और मास ऑफ अर्थ जो है वो है 6.0 इंटू 10 टू रेस पर 24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू हम लगाएंगे 6400 किलोमीटर के इक्वल होता है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे साथ ही साइंटिफिक नोटेशन में, तो हमारे पास आएगा 6.4 इंटू 10 टू रेस पर 6 मीटर। उसके बाद जो फाइंड करना है वो है वैल्यू ऑफ जी एट हाइट, जी एच फाइंड करना है, फार्मूला हम लगाएंगे इसका, जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो एक बात बता दें आपको कि यहाँ पे जो ये जो हाइट बताई है ये सेंटर से हाइट नहीं है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है, बल्कि ये सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट है, इसलिए हम इसमें आर और एच दोनों को प्लस करेंगे वैल्यू ऑफ जी फाइंड करने के लिए। तो हम जो है वो इसमें वैल्यू लगाएंगे इस फार्मूले में, और 6.673 इंटू 10 टू रेस पर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। यूनिट के बगैर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ साथ जो है वो यूनिट सॉल्व करना भी न्यूमेरिकल में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप यूनिट के बगैर भी वैल्यूज़ लिख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यूनिट सॉल्व कर लें तो अच्छी बात है, आपको जो है वो यूनिट कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। उसके बाद जो है वो मास ऑफ अर्थ है 6.0 इंटू 10 टू रेस पर 24 किलोग्राम है, यहाँ पे जो है वो आर है 6.4 इंटू 10 टू रेस पर 6 मीटर प्लस 3.6 इंटू 10 टू रेस पर 6 मीटर, हम यहाँ पे दोनों की बेस सेम है तो हम इसको प्लस करेंगे 6.4 और 3.6 को पहले, फिर हम जो है वो इसका स्क्वायर लेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे ये आ जाएगा 10 इंटू 10 टू रेस पर 6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो है वो यहाँ पे अब जो यूनिट थे वो हमने एक साइड पे इधर लिख लिए हैं सारे के सारे,
ताकि हम उनको ज़रा आसानी से सॉल्व कर सकें। उसके बाद जो है वो यहाँ पे 6.673 को 6.0 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो पावर्स हैं उसको एक साइड पे रख लेंगे, 24 में से 11 को माइनस करेंगे और तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये जो है वो 13 आ जाएगा। और 40.038 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 0.40 आ जाएगा। अब ये 12 जो है नीचे यहाँ पे प्लस में था, इसको ऊपर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। इन दोनों का आंसर जो है वो ये +13 आया था, ये 12 इधर आके यहाँ पे -12 आ जाएगा। अब 13 में से 12 को आप माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब जो है वो उस 1 को कैंसिल करने के लिए हम इस पॉइंट को राइट साइड पे लेकर आएंगे तो वो -1 होगा, -1 +1 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 4.0 रह जाएगा। यूनिट को पहले वाले सवालों में भी आपको सॉल्व करना सिखाया है, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। न्यूटन की वैल्यू लगाएंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, किलोग्राम जो है वो उससे कैंसिल हो जाएंगे किलोग्राम से, मीटर मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो रह जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो जी एच आएगा यानी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है हाइट पे, वो आएगी 4.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, जैसे कि आपको इधर 5.5 का आंसर नज़र आ रहा है। अब है जी 5.6, न्यूमेरिकल फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू दी अर्थ एट जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, द रेडियस ऑफ द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज 4,870 किलोमीटर। ये क्वेश्चन 5.6 का डाटा गिवन है, रेडियस ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो कि है 4,870 किलोमीटर, और यहाँ पे जो इसका रेडियस है ऑर्बिट का, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का, वो R+H के इक्वल है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है अर्थ के अराउंड जब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रिवॉल्व करता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो इसका इस ऑर्बिट का रेडियस है जो कि इक्वल है इसके रेडियस ऑफ अर्थ के और हाइट एच के, और इस हाइट एच पे जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। तो इस तरह से यहाँ पे ये 4,870 किलोमीटर है और इसको हम जो है वो कन्वर्ट करेंगे मीटर में और साथ साथ साइंटिफिक नोटेशन में, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करने से वैल्यू जो है वो ज़रा ज़्यादा जो है वो लार्ज आ जाएगी, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन में जो है वो हम आसानी से कैलकुलेशन कर सकें। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो है ये किलो का जो ये किलो प्रीफिक्स है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे, 10^3 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पता है कि पॉइंट जो है वो अगर नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है कि एंड में होता है, और इस पॉइंट को हम 1, 2, 3, 4 फोर प्लेसेस पे जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। तो जब हम जितने प्लेसेस पे हम मूव करेंगे लेफ्ट पे तो हम उतनी पावर जो है वो प्लस में लिख देंगे, तो इस तरह से ये 10^4 आ जाएगी, यानी पहले नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे, 4.87 × 10^4 और × 10^3 जो है ये किलो का और ये जो हमने पॉइंट को मूव किया था उसका। तो इस तरह से 4 और 3 7 आ जाएगा, 4.87 × 10^7 मीटर जो है ये साइंटिफिक नोटेशन में ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो है वो मास ऑफ अर्थ गिवन है जो कि है 6.0 × 10^24 किलोग्राम, और जो जी की वैल्यू है वो 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर फाइंड करना है इस एच हाइट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो हम फार्मूला लगाएंगे इसमें ये वाला GME/R+H का होल स्क्वायर, और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 6.673 × 10^11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये कैपिटल जी है यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसके बाद ये मास ऑफ अर्थ है 6.0 × 10^24 किलोग्राम। R+H जैसे कि भी आपको बताया कि यही वाला जो है वो R+H है जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस है, तो यहाँ पे इसकी इकट्ठी वैल्यू आएगी 4.87 × 10^7 मीटर का होल स्क्वायर। अब जो है वो हम क्या करेंगे कि इसमें जो ये पावर्स हैं इनको एक साइड पे कर लेंगे और बाकियों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 6.673 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.0 से तो हमारे पास आएगा 40.038, और ये -11 और साथ में ये +24, इसको हम इस तरह से ऐसे एक साथ लिख लेते हैं। यूनिट हम सारे जो है वो एक साथ इधर जो है वो लिख लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर और यहाँ पे ये किलोग्राम,
और उसके बाद जो है वो इसका 4.87 मल्टीप्लाई 4.87 जो है वो इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 23.71। और ये जो पावर है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जितनी भी पावर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 to the 14, तो ये मीटर स्क्वायर जो है वो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब हम जो है वो इसको 40.038 को डिवाइड करेंगे 23.71 से, और जो ये पावर्स हैं इनको खुद से अलग से कैलकुलेट कर लेंगे बगैर कैलकुलेटर के। तो 24 में से 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, और ये जो 14 है ये इधर ऊपर आगे ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि नीचे प्लस में है। और जो 40.038 को डिवाइड किया 23.71 से तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1.68 × 10^2। ये 13 − 14 का जो है वो −1 आएगा। अब इस −1 को रिमूव करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हम इस पॉइंट को जो है वो यहाँ पे जो है वो लेफ्ट साइड पे वन डिजिट जो वन प्लेस जो है वो मूव करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.168। और ये −1 जो है वो इसका आंसर था, यानी 14 में से 13 को माइनस करके −1 आया था। और जो इस पॉइंट को हम इधर लेकर आए लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पे आ जाएगा +1, −1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से हम जो है वो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.17 m/s² राउंड ऑफ करके जो है वो ये आंसर आएगा। वैसे तो होगा 0.168 लेकिन चूंकि ये 8 है तो इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास आएगा 0.17 m/s², ये जो है वो जी की वैल्यू है। उसके बाद ये 5.7 न्यूमेरिकल है, द वैल्यू ऑफ जी इज 4.0 m/s² एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 km फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी अर्थ, फाइंड दी मैस ऑफ अर्थ। यहाँ पे कहते हैं कि जो जी की वैल्यू है वो ज़मीन के सेंटर से 10,000 km के डिस्टेंस पे 4.0 m/s² रह जाती है, तो आपने मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना है। जी 5.7 न्यूमेरिकल का जो डाटा गिवन है वो है वैल्यू ऑफ जी 4.0 m/s² और डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर ऑफ अर्थ है 10,000 km। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसमें आर प्लस एच दोनों शामिल हैं क्योंकि आर जो है यानी कि ज़मीन के सेंटर से लेके जो है डिस्टेंस वो 10,000 km है, जहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो 4.0 m/s² हो जाती है। और वैसे भी जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो है 6,400 km और ये 10,000 है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ आर नहीं है बल्कि ये आर प्लस एच दोनों है। और यहाँ पे ये आर प्लस एच जो कि है 10,000 km, इसको हम मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे और साथ ही साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 10^7, 7 m। कैसे आया ये, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट जो है वो यहाँ पे है और इस पॉइंट को हम मूव करेंगे यहाँ पे, यानी कि 1, 2, 3, 4 places लेफ्ट में मूव करेंगे। जितने प्लेसेस पे हम लेफ्ट पे मूव करेंगे उतना ही जो है वो पावर प्लस में आ जाएगी, तो ये 10^4 हो गई है। और किलो जो प्रीफिक्स है इसकी वैल्यू 10^3 है, तो 4 और 3 7 हो गया। तो इस तरह से 10^7 m जो है वो आर प्लस एच है। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो है 6.673 × 10^-11 Nm² per kg². और फाइंड क्या करना है जी, मैस ऑफ अर्थ ME जो है वो फाइंड करना है। जी इस तरह से हम फार्मूला लगाएंगे, जी इज इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और उसके बाद जो है वो हमने चूंकि मैस फाइंड करना है तो हम इसको रीअरेंज करेंगे और यहाँ पे जो है वो एम जो है वो यहीं पे रहेगा और यहाँ पे ये जो आर प्लस एच स्क्वायर है यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जी जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से जो है यहाँ पे इस तरह से फार्मूला बनेगा, जी इंटू आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल जी। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे जी, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे जो है वो स्मॉल जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये है 4.0 m/s² और जो आर प्लस एच है वो है 10^7 m का होल स्क्वायर आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो कैपिटल जी है वो है 6.673 × 10^-11 Nm² per kg². अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 4.0 को 6.673 से डिवाइड करेंगे, पावर्स को हम अभी कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन कैलकुलेटर के साथ हम इसको सिर्फ इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इनको जो है वो हम वैसे सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। 4.0 को डिवाइड करेंगे 6.673 से तो यहाँ पे आएगा 0.599। और पावर किस तरह से सॉल्व करेंगे कि 10 की पावर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 to the 14
14 आ जाएगा, और ये -11 नीचे माइनस हो रहा है तो ये जो है वो ऊपर आके यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। तो 14 और 11 को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। और यूनिट कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको हमने इधर लिख लिया, इसका मीटर स्क्वायर है उसको यहाँ पे लिख लिया। न्यूटन को हम जो है वो इसकी वैल्यू लिख लेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसके बाद मीटर स्क्वायर है यहाँ पे, उसके बाद जो है वो किलोग्राम -2 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम यहाँ पे -2 है यहाँ पे 1 है, तो ये -2 जो है वो 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा -1 जो कि ऊपर आके यहाँ पे प्लस में हो जाएगा। अब जो है वो यहाँ पे ये इस दोनों को सॉल्व किया था तो 14 और 11 जो है वो 25 आया था। अब इस पॉइंट को हम राइट साइड पे वन प्लेस पे मूव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5.99। और जो यहाँ पे क्योंकि हमने इस पॉइंट को इधर मूव किया था राइट साइड पे, एक डिजिट के बाद हमने इसको लिखा था, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24। तो इस तरह से जो मैस ऑफ अर्थ है वो होगा 5.99 × 10^24 किलोग्राम, जो कि इक्वल है तकरीबन 6 × 10^24 किलोग्राम के। 5.8 न्यूमेरिकल है। एट वॉट ऑल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन ऑन दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। यहाँ पे कहते हैं कि कितनी ऑल्टीट्यूड पे या कितनी हाइट पे जी की वैल्यू जो है वो ज़मीन की सरफेस पे जो जी की वैल्यू है उसका 1/4 रह जाती है। जी अब हमें पता है कि अगर जो है वो हाइट 1 अर्थ रेडियस के इक्वल हो तो जी की वैल्यू जो है वो 1/4 रह जाती है। तो हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो हाइट 1 अर्थ रेडियस के इक्वल आती है। जी तो यहाँ पे आपको जो डाटा गिवन है वो क्या है कि यहाँ पे ये जो सरफेस ऑफ अर्थ है, इस सरफेस पे जो है जी की वैल्यू 10 m/s² है, लेकिन वो हाइट हमने वो फाइंड करनी है जितनी हाइट पे जी की वैल्यू जो सरफेस पे जी की वैल्यू है अर्थ की उसका 1/4 रह जाती है। यानी जबकि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जी डिवाइड बाय 4, 10/4 तो हमारे पास आएगा 2.5 m/s² कैलकुलेट करने पे। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो हाइट पे जो जी की वैल्यू है वो है 2.5 m/s². अभी हमें पता है कि ये जो हाइट है ये 1 अर्थ रेडियस के इक्वल होती है, जिस पर जी की वैल्यू 1/4 हो जाती है, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मास ऑफ अर्थ जो है वो है 6.0 × 10^24 किलोग्राम, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6.4 × 10^6 मीटर। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है उसकी वैल्यू है 6.673 × 10^-11 न्यूटन मीटर² पर किलोग्राम स्क्वेयर। फाइंड हमने करना है वो अल्टीट्यूड या हाइट जिस पे जी की वैल्यू जो है वो 1/4 रह जाती है, यानी कि एच फाइंड करना है। और इसमें जो फार्मूला हम लगाएंगे, जी एट एच इज़ इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इसको हम जो है वो पहले अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आर प्लस एच का होल स्क्वायर यहाँ पे ये नीचे है, इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके जो है ये हम इसको इधर ले आएंगे और ये जो है यहाँ पे इधर नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से आपके पास फार्मूला आएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई जी। अब यहाँ पे इसका जो है सबसे पहले हम स्क्वायर ख़त्म करेंगे ताकि हम कैलकुलेशन जो है वो आसानी से कर सकें। तो हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे, इस तरह से हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस एच इज इक्वल टू जी एम ई अंडर रूट जी एम ई डिवाइड बाय जी एच, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट। और अब जो है वो हमने फाइंड जो है वो हाइट करनी है, तो यहाँ पे जो रेडियस है आर वो प्लस हो रहा है तो वो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो अब जो इक्वेशन बनेगी उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वो बनेगा एच इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट माइनस रेडियस ऑफ अर्थ यानी आर। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू लगाएंगे, 6.673 × 10^-11 N·m² per kg². इसका यूनिट मास ऑफ अर्थ 6.0 × 10^24 किलोग्राम। और जो यहाँ पे जो अभी जी की वैल्यू हमने फाइंड की थी 2.5 m/s² और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 × 10^6 मीटर, ये जो है वो इससे रूट से बाहर है।
अब जो है वो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 6.673 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.0 से, और इनकी पावर्स जो है वो एक साइड पे लिख लेंगे, -11 और ये 10 की पावर 24 है, ये इसको इस तरह से लिख लेंगे। यूनिट्स भी जो है वो हम एक साइड पे लिख लेंगे ताकि हम सॉल्व आसानी से कर सकें। उसके बाद जो है वो 40.038 जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, और 24 में से 11 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। 40.038 को हम डिवाइड करेंगे 2.5 से तो हमारे पास आएगा 16.02 इंटू 10^13। यूनिट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मीटर स्क्वेयर आ जाएगा, और यहाँ पे -6.4 इंटू 10^6 मीटर। अब हमने क्या करना है कि हम पहले जो है वो इसकी पावर को हमने क्योंकि इसका स्क्वायर रूट लेना है तो हम यहाँ पे जो है वो इस पॉइंट को लेफ्ट राइट साइड पे जो है वो मूव करेंगे 1 प्लेस पे, और तो हमारे पास आ जाएगा 160.2 इंटू 10^12। 12 क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट को आप यहाँ पे लेके आए 0 के बाद, तो यहाँ पे इसके साथ जो है वो -1 लग जाएगा, 13 में से 1 माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि इस पॉइंट को हम इधर भी मूव कर सकते थे, अगर हम इधर मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे तो +1 का जो है वो इजाफा होगा, तो +1 जब 13 के साथ होगा तो 14 आ जाएगा, और जब 14 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 7 आएगा, और यहाँ पे जो है वो पावर 6 है। तो जब हम प्लस या माइनस करते हैं किसी भी नंबर्स को तो फिर उसमें पावर्स जो है वो एक जैसी होनी चाहिए, तो एक जैसी पावर लाने के लिए हमने जो है वो पहले इसको जो है वो यहाँ पे पॉइंट को इधर मूव करने करवाने की बजाय इस साइड पे राइट साइड पे मूव करवाया है ताकि इसकी पावर जो है वो 12 हो, और जिसका जब हम स्क्वेयर रूट लेंगे तो वो 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आएगा 160.2 इंटू 10^12 मीटर स्क्वेयर। 160.2 को का जो है वो जब स्क्वेयर रूट लेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 12.657, और 12 का स्क्वेयर रूट जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा 10^6 मीटर। अब पावर जो बेस जो है वो इन दोनों की सेम है तो यहाँ पे जो है वो हम इनको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो 12.657 में से माइनस करेंगे 6.4 को तो आ जाएगा 6.257 इंटू 10^6 मीटर। अब जो है वो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, हाँ जी, इसको हम किस तरह से किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे जो 6.257 है इस पॉइंट को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे 3 प्लेसेस पे जो है वो राइट साइड पे, तो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा -3, और यहाँ से 6257 इंटू 10^-3 हो गया, और ये जो पहले से 10^6 था इसके साथ यहाँ पे +6 हो गया, 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो अब जो है वो ये 10^3 है, ये हमें पता है कि ये प्रीफिक्स है किलो का, तो हम यहाँ पे जो है वो 10^3 की जगह पे किलो लगा देंगे, तो अब जो हाइट होगी वो होगी 6257 किलोमीटर, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 1 अर्थ रेडियस के, जो कि है 6400 किलोमीटर। तो थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन तकरीबन ये इसके बराबर ही है, तो ये जो है वो आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है, उसको भी आप देख लें। इस सवाल के मुताबिक जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो किसी खास हाइट पे 1/4 हो जाती है जितनी वैल्यू उसकी सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं GH = 1/4 g, और यहाँ पे हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है आल्टीट्यूड पे उसका फार्मूला ये है, तो इस फार्मूले को हम यहाँ पे लिख देंगे GME/r+h² 1/4 1/4, और जी का फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे GME/r². अब यहाँ पे जो है GME दोनों साइड पे जो है ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, अब यहाँ पे रह जाएगा 1/r+h² 1/4 r². क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 r² इधर आ जाएगा और r+h² इधर आ जाएगा। अब जो है वो हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2r = r+h, और यहाँ पे जो है वो हम क्योंकि हमने हाइट फाइंड करनी है तो हाइट को यहीं रहने देंगे, r इधर आ जाएगा, 2r - r = h, तो 2r में से 1r माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1r। तो इस तरह से भी आपका आंसर जो है वो आप फार्मूले की डेरिवेशन से बता सकते हैं कि अगर हाइट जो है वो 1 अर्थ रेडियस के इक्वल हो तो जी की वैल्यू जो है वो 1/4 हो जाती है।
जी 5.9 क्वेश्चन है, आ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च एट 850 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। यहाँ पे कहते हैं कि एक पोलर सैटेलाइट को 850 किलोमीटर जो है वो अर्थ से अबव लॉन्च किया गया, इसकी ऑर्बिटल स्पीड बताएं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे 850 किलोमीटर जो है वो हाइट है जिस पे पोलर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया अर्थ से, और यहाँ पे जो इसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट है वो है r+h के इक्वल। तो जो गिवन है वो है हाइट 850 किलोमीटर, जो कि इक्वल है 0.85 × 10^6 मीटर के। किस तरह के किलो जो है वो 10³ है इसका प्रीफिक्स, और ये यहाँ पे पॉइंट को हम यहाँ पे मूव करवाएंगे 3 डिजिट पे, 3 प्लेसेस पे, तो लेफ्ट पे, तो ये 10³ आ जाएगा, तो 3 और 3 जो है वो प्लस हो गया, तो 0.85 × 10^6 मीटर। रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर किलोमीटर इज इक्वल टू 6.4 × 10^6 मीटर। मास ऑफ अर्थ है 6.0 × 10^24 किलोग्राम। ग्रेविटेशन कांस्टेंट है 6.673 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है जी ऑर्बिटल वेलोसिटी पोलर सैटेलाइट की। फार्मूला लगाएंगे हम इस तरह से, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है पोलर सैटेलाइट की इज इक्वल टू अंडर रूट g h इंटू r+h। यहाँ पे g जो है वो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी है एट आल्टीट्यूड या हाइट, और यहाँ पे जो है वो आपको जो डाटा गिवन है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें जो है वो ये ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो नहीं दी गई, तो इसलिए सबसे पहले हम ये वैल्यू ऑफ ग्रेविटी फाइंड करेंगे। तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का जो फार्मूला है वो क्या है, यहाँ से ग्रेविटी एट हाइट इज इक्वल टू g m e/r+h का होल स्क्वेयर, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 6.673 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर, जो इसका यूनिट है वो हमने यहाँ पे आगे लिख लिया है। और उसके बाद मास ऑफ अर्थ है वो 6.0 × 10^24 किलोग्राम है, आर जो है वो 6.4 × 10^6 मीटर, इन प्लस 0.85 × 10^6 मीटर। अब यहाँ पे देखें कि हमने जो है वो जब इसको जो है वो हमने कन्वर्ट किया था साइंटिफिक नोटेशन में और साथ ही मीटर में, तो हमने यहाँ पे 8.5 नहीं लिखा बल्कि 0.85 लिखा। 0.85 इसलिए किया ताकि इन दोनों की जो पावर है वो सेम आ सके और हम जो है वो इजीली इसको कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि जब हम प्लस माइनस करते हैं तो सेम पावर होनी चाहिए, वरना जो है वो प्लस या माइनस नहीं हो सकते। तो इस तरह से अब इन दोनों की पावर सेम है, तो हम 6.4 और 0.85 को प्लस कर लेंगे, और यहाँ पे 6.673 को 6.0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 24 और ये -11 इनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब जो है वो यहाँ पे जब 6.673 और 6.0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40.038, और यहाँ पे जो पावर थी 24 में से 11 को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा, और जी और 6.4 और 0.85 को प्लस करेंगे तो 52.56 आएगा। 10^6 ही रहेगी इसमें, पावर सेम ही रहेगी जब हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो जब हमारे पास आएगा 52.56 × 10^6, यहाँ पे 6 ही होगा लेकिन यहाँ पे ये होल स्क्वायर है, तो 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10^12। और जो है वो इस तरह से इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम और मीटर स्क्वायर, ये इसके यूनिट जो है वो सारे एक साथ जो है वो लिख लिए थे। अब जो है वो जब हम यूनिट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे 40.038 को डिवाइड करेंगे 52.56 से तो आएगा 0.762। 12 जो है यहाँ पे ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, 13 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इस 1 को कैंसिल करने के लिए हम इस पॉइंट को राइट साइड पे इधर 1 प्लेस पे मूव करेंगे तो आ जाएगा 7.62, और यहाँ पे इसके साथ -1 लग जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और जो आपका आंसर आएगा वो होगा 7.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ये होगी वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एट आल्टीट्यूड। अब हम फाइंड करेंगे ऑर्बिटल स्पीड, तो ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला लगाएंगे और फिर उसके बाद जो है वो वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है इसकी ग्रेविटी की वो है 7.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर 6.4 × 10^6 मीटर है, एच जो है वो 0.85 × 10^6 मीटर है। उसके बाद जो है वो 6.4 और 0.85 को प्लस किया तो 7.25 × 10^6 मीटर आएगा, और फिर से 7.62 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.25 से तो आएगा 55.245 और 10^6।
अब क्या करना है, अब इसका जो है वो स्क्वेयर रूट लेंगे 55.245 का, तो आएगा 7.432, और 10 की पावर 6 का जो है वो आएगा 10 की पावर 3। अब जो है वो क्या करना है कि इस 10 की पावर 3 को जो है वो कैंसिल करने के लिए हम इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यानी राइट साइड पे थ्री प्लेसेस पे जो है वो 1 2 3 यहाँ पे इसको मूव करवाएंगे, तो +3 के साथ यहाँ पे -3 आ जाएगा, जो कि एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब जो आंसर आएगा वो होगा 7432 मीटर पर सेकेंड ऑर्बिटल जो है वो वेलोसिटी होगी पोलर सेटेलाइट की। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका भी देख लें, आपको जो भी इजी लगे आप उस तरीके से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जी। पोलर सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड मालूम करने का फार्मूला हम पहले लिखेंगे। अभी फर्स्ट मेथड में हमने बताया था कि जो है वो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी हमें नहीं मालूम, तो हमने पहले वैल्यू ऑफ ग्रेविटी फाइंड की थी, लेकिन आप इसको पहले जो है वो थोड़ा सा इक्वेशन को सॉल्व करके एक नया फार्मूला ड्राइव करके भी जो है वो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कि जब जैसे आपको अगर आप जो है वो पहले इसकी वैल्यू फाइंड करना नहीं चाहते, तो आप जो है वो इसके जो फार्मूला है वो लिख लें आप, यानी कि जी जो है वो इक्वल होता है GME डिवाइडेड बाय R प्लस H के होल स्क्वायर के। R प्लस H का R प्लस H ही रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दो हैं यहाँ पे एक है, तो ये एक जो है वो इस एक से कैंसिल हो जाएगा, तो अब रह जाएगा GME डिवाइडेड बाय R प्लस H, यानी अंडर रूट GME डिवाइडेड बाय R प्लस H, यानी अब ये इस तरह से फार्मूला आ जाएगा। ये इसमें जो है वो आपने जी की वैल्यू फाइंड नहीं की, बल्कि इसमें आपने उसका फार्मूला लगाया और उसके बाद उसको सॉल्व करके इस तरह से एक नया फार्मूला बनाया। अब आप इस फार्मूले में जो है वो वैल्यूज पुट करके इस तरह से आप जो है वो ऑर्बिटल स्पीड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो जी की वैल्यू लगाएंगे 6.673 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर, मास ऑफ अर्थ लिखेंगे, उसके बाद आर प्लस एच लिखेंगे, और उसके बाद इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे आंसर आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे ये जो है इस तरह से आप यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5.5228 इंटू यहाँ पे 13 में से 6 को माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो हम इसका जो है वो रूट लेंगे किस तरह से, इस तरह से आप इसका फिर रूट लेके स्क्वायर रूट लेके आप जो है वो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है वो ऑल्टरनेट मेथड है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5.9 का जी। 5.10 लास्ट न्यूमेरिकल है। अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज लॉन्च एट 42,000 किलोमीटर अबव अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। यहाँ पे कहते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो अर्थ से 42,000 किलोमीटर अबव लॉन्च किया गया है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करें जी। तो गिवन डाटा जो है वो है, हाइट है 42,000 किलोमीटर, इसको हम इस तरह से जो है वो मीटर में और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो 42 इंटू 10^6 मीटर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट को हमने यहाँ पे थ्री प्लेस पे जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव किया था, तो इसका 10^3 आ गया, किलो का 10^3 हो गया, तो 3 और 3 जो है वो +6 हो गया है। रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, जो कि इक्वल है 6.4 इंटू 10^6 मीटर के। मास ऑफ अर्थ है 6.0 इंटू 10^24 किलोग्राम। ग्रेविटेशन कांस्टेंट है 6.673 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। यहाँ पे जो है वो हाइट आपको इतनी बताई हुई है, ये 42,000 किलोमीटर जो है वो हाइट है, और इसका जो ये कम्युनिकेशन सेटेलाइट है इसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जो है वो ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे अंडर रूट जी एच इंटू आर प्लस एच। अब हमें पता है कि जो डाटा गिवन है उसमें ग्रेविटी की वैल्यू नहीं दी हुई, हाइट पे कितनी ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, तो अभी जिस तरह हमने भी लास्ट न्यूमेरिकल में जो है पहले वैल्यू ऑफ ग्रेविटी फाइंड की थी, तो इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर लेते हैं कि इसको हम यहाँ पे जो है वो जी एच का फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे इसी इक्वेशन के अंदर, एक और फार्मूला जो है वो हम लगाएंगे इस तरह से कि जी की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर, आर प्लस एच, यहाँ पे आर प्लस एच जो है वो कैंसिल हो जाएगा इससे एक से, तो अब क्या रह जाएगा जो अब आपके पास आएगा अंडर रूट जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच,
इस तरह से आपके पास फार्मूला आ गया। इसमें आपको वो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए वो जो है वो ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हमने इसको अरेंज कर लिया। अब जो है वो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और इसमें जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो है 6.673 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर। मास ऑफ अर्थ है 6.0 × 10⁻²⁴ किलोग्राम। और उसके बाद जो यहाँ पे नीचे आर प्लस एच है वो है 6.4 × 10⁻⁶ मीटर प्लस 42 × 10⁻⁶ मीटर। जी कैलकुलेट करेंगे हम 6.673 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.0 से तो 40.038 आ जाएगा। पावर्स को एक साइड पे लिखेंगे, 10⁻¹⁻ और 10⁻²⁴ है। 24 में से 11 को माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। यूनिट्स को एक साइड पे लिख लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर और डॉट किलोग्राम। उसके बाद डिवाइड करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, 6.4 + 42 तो आ जाएगा 48.4। और पावर सेम वही × 10⁻⁶ मीटर, क्योंकि पावर सेम है दोनों की, इसी वजह से दोनों को हमने प्लस किया। और दोनों की पावर सेम इसलिए लाए ताकि एक दूसरे को प्लस, एक दूसरे के साथ इनको, इन दोनों को प्लस किया जा सके। अगर पावर इनकी डिफरेंट होती तो फिर हम इनको एक साथ प्लस नहीं कर सकते थे। प्लस या माइनस करने के लिए जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। इस तरह से फिर जो है वो आपका यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो 0.8272 आ जाएगा। यहाँ पे 24 में से 11 को माइनस किया था तो यहाँ पे जो है वो 13 आया था। ये 6 नीचे प्लस हो रहा है तो ऊपर आके यहाँ पे माइनस हो जाएगा। 13 में से 6 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। यूनिट को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर आ जाएगा। अब जो है वो यहाँ पे हम इसका स्क्वेयर रूट लेना है तो इसलिए जो है वो हम इसको इवन नंबर में लाएंगे। पॉइंट को हम इधर मूव करेंगे तो 8.272 आ जाएगा × 10⁻⁷। और यहाँ पे हमने वन प्लेस पे जो है वो राइट पे मूव किया था तो -1 आ गया। अब जो है वो इसका 7 में से 1 को माइनस करेंगे, 6 आ जाएगा। 8.272 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब इसका जो है वो हम स्क्वेयर रूट लेंगे तो आएगा 2.876 × 10⁻³ आ जाएगा, 6 का जो है वो स्क्वेयर रूट। तो और ये मीटर स्क्वेयर है, 1 मीटर रह जाएगा इसमें। जो सेकंड पर सेकंड स्क्वेयर है ये भी 1 पर सेकंड रह जाएगा। अब इसका जो है वो इसको इसके 3 को कैंसिल करने के लिए, यानी कि ऑर्डिनरी मेथड में लिखने के लिए, हम साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी मेथड में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हम यहाँ पे राइट साइड पे मूव करेंगे 3 प्लेस पे। तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, -3 और +3 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से जो ऑर्बिटल स्पीड आएगी वो आएगी 2876 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। और अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें।